आशीर्वाद दे दीजिए। जीता रहे, हैप्पी बर्थडे। आप सबको बहुत 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 थैंक यू। वैसे आप लोगों ने मुझे डरा दिया था। डराया नहीं सागर जी, चौंका दिया ऐसा कहिए। हाँ, चौंका दिया था। थैंक्स फॉर द सरप्राइज। देखा सागर जी, मुझे तो पता था कि आपको मेरा ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। हेलो, सागर को इस तरह बर्थडे विश करने का आइडिया मेरा था। हाँ, इसलिए सरप्राइज का क्रेडिट भी मेरा है। अच्छा सासुमा, क्रेडिट भले ही आप ले लीजिए, लेकिन आइडिया तो मेरा था। हाँ सागर जी, मैंने ही बताया था ना सासुमा कि सागर जी तो सो रहे हैं। सागर सो रहा है, इतना ही बताया था ना। सागर को किस तरह जगाना है ये तो मैंने ही सोचा था। तो सासुमा, आपने ऐसा तब सोचा जब मैंने ऐसा कहा कि सागर जी को बर्थडे विश करने के लिए उनके जागने का इंतजार क्यों करना। देखा आपने, बर्थडे मेरा, नखरे दिखाने का दिन भी मेरा, लेकिन ये दोनों बर्थडे बॉय को नखरे दिखाने का मौका दें तब ना। लेकिन कोई नहीं, आज मैं अपना मौका लेकर रहा। बोल दिया ना मैंने। एक मिनट, शांति शांति। ये तांती कौन है? कन्हैया लाल जी, चुप रहने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा थाईलैंड। मॉम मही, आज नो झगड़ा, आज मेरा बर्थडे है और मुझे आप लोगों से गिफ्ट चाहिए। अरे सागर, तो बोल ना तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। हा? बोल। हाँ सागर जी, बोलिए बोलिए, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मैं सब लाकर दूंगी आपको, जो भी चाहिए। सागर, मैं लाकर दूंगी तुझे, बोलना क्या चाहिए। देखिए, मेरी कोई फरमाइश नहीं है, आप लोग जो भी मुझे प्यार से देंगे आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट। अच्छा तो ठीक है, आज मैं तुम्हें ऐसी गिफ्ट दूंगी कि तुम बहुत 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 खुश हो जाओगे। हाँ थैंक यू मॉम। मॉम मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आज ना मेरे एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग है। अरे वाह, जा जा जल्दी से तैयार हो जा, लेकिन शाम को 6 बजने से पहले पहले आ जाना। हाँ, आज शाम को 7 बजे हमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी रखी है, तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को बुलाया हमने। बट मॉम, पार्टी की क्या जरूरत थी, अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। सागर, मेरे लिए तो तू अभी भी बच्चा ही है। जा जल्दी से तैयार हो जा, हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है ना। हाँ हाँ, और सबसे बड़ी तैयारी होगी आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट सिलेक्ट करना। नहीं, क्या दूँ सागर को, ऐसी कौन सी बर्थडे गिफ्ट दूँ जो सबसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी स्पेशल गिफ्ट लाऊं, क्या करूं क्या। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? इतनी खूबसूरत शक्ल होने के बावजूद भी मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या हुआ, बोल तो सही। अरे तू रो क्यों रही है? मॉम, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मॉम, शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं किसी और से प्यार कर बैठी और वो मुझे धोखा देकर भाग गया। मॉम,
अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मॉम, आपको ऐसे चक्कर आ जाएंगे तो सोनिया का रिहर्सल कौन देखेगा? मॉम 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 यूके, तू रिहर्सल कर रही थी? हाँ, और नहीं तो क्या, सोनिया को अपनी तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी ना, क्या पता कब राजकुमार हिरानी या फिर संजय लीला बंसली का फोन आ जाए। उनका फोन तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। आपको सोने की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि खुशी के मारे आपको हार्ट अटैक आने लगा। वाह, शट अप। वैसे भी मैं परेशान हूँ, सागर को क्या गिफ्ट दूँ और ऊपर से तू मुझे झटके दे रही है। बस इतनी छोटी सी बात क्या मॉम, आपको इतनी क्रिएटिव बहू मिली है लाइक सोनिया, वाव। तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट सोनिया के पास ही सोल्यूशन लेने आना चाहिए ना। अच्छा मिसेस आइंस्टाइन, अरे वाह, यूनिक और स्पेशल। तब तो मॉम आपको सागर भैया को खाली बॉक्स देना चाहिए। हाँ, खाली बॉक्स? हाँ, क्यों? मॉम, सोनिया ने एक मूवी देखी थी जिसमें एक रिच लेडी अपने बेटे के बर्थडे पर उसे खाली चेकबुक देती है और कहती है कि अमाउंट तुम डाल देना, और उसका बेटा बहुत ही खुश हो जाता है। सेम उसी तरह आप भी सागर भैया को खाली बॉक्स दे दीजिए और कह दीजिए कि इसमें गिफ्ट तुम डाल देना, तो वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, वाह बिरबल बहू वाह, इतने इंटेलिजेंट आइडियाज तो सोच कैसे लेती है। हाँ मॉम, वो तो पैदाइशी है, यू नो, वक्त इंटेलिजेंस। अब मैं जाऊँ, बाय बाय। ओहो, जल्दी से कुछ सोच सोया, क्या देगी? लैपटॉप? अरे नहीं, स्मार्टफोन, टैब, सब कुछ तो है सागर के पास, फिर क्या दूं मैं उसे? ऐसा क्या दूं जिसके सामने मही का गिफ्ट फीका पड़ जाए? मही क्या देने वाली होगी? सागर जी के पास ऑलरेडी 3-4 परफ्यूम्स की बॉटल है, कुछ अच्छा सोच रहा, बेस्ट वाला नहीं आ रहा है। अच्छा सुन सुन सुन, एक काम कर, सोच कि शादी के बाद तेरे पति का पहला जन्मदिन है तो तू उन्हें क्या गिफ्ट देगी। अच्छा सोचना पड़ेगा यार, ठीक है सोच के बता। हाँ जल्दी सोचना। हाँ? जिनको जानती थी सबको फोन कर दिया, लेकिन किसी के पास भी ढंग का आइडिया नहीं मिला। मुझे ना सागर जी को महंगे गिफ्ट नहीं बल्कि कीमती चीज देनी है। भले गिफ्ट महंगी ना हो लेकिन उसकी कीमत सागर जी को बहुत हो, ऐसी गिफ्ट देनी है। क्या तू कन्हैया लाल, दे तलिया, दे दे दे, थोड़ी मस्ती तो चलती है, दे तलिया, दे तलिया लाल थी। जय कन्हैया लाल की। मेहंदी ना हो लेकिन कीमती हो, ऐसी तो ऐसी दीप्त हो सकती है। अच्छा कन्हैया लाल, बैठो क्या आप है ना। सागर भैया को पूरा दिन पानी मत पिलाओ। अच्छा सारू, फिर शाम को है ना आप उनको पानी का ग्लास गिफ्ट में दे दो। अच्छा, अभी प्याते आदमी को पानी से ज्यादा और कीमती क्या लग सकता है। अरे वाह कन्हैया लाल, क्या आइडिया दिया है आपने, सच्ची मान गए आपको। और सिर्फ पानी ही क्यों, मैं तो सोच रही हूँ सागर जी को बर्थडे के गिफ्ट में ना पानी के साथ साथ एक कप काठा वाली चाय भी गिफ्ट दे दूंगी। कन्हैया लाल, आपको किचन में बहुत काम होगा। नहीं हाँ, काम तो बहुत है, लेकिन तब तक आप ये काठिया वाली चाय पीते तो हाँ। ये लो। लेकिन सागर जी का क्या? अंबे माँ, आप ही कोई आइडिया दीजिए ना अच्छा वाला, प्लीज। पता
जाने सासुमा क्या गिफ्ट देने वाली होंगी। अच्छा सुजाता, मुझे है ना तुझसे एक मशवरा लेना है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या मशवरा चाहिए? मैं तो मशवरा देने के लिए तैयारी हूँ ना। बेटे को जायदाद से बेदखल करना है या बहू को मैं के वापस भेजना है? ओ सुजाता, मुझे बोलने का मौका भी दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। सुजाता तेरे तो चार चार बेटे है ना, तो मुझे ये मशवरा लेना था कि तू उनको उनके बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट देती है। उन चारों को गिफ्ट? अरे बेटे नहीं है बेटे, चारों के चारों जोरू के गुलाम हैं। और हाँ अंजुया, मैं तो अपने बेटों को जायदाद में से भी कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। इससे अच्छे तो वो लोग बचपन में थे। पता है तुम्हें मेरा बड़ा बेटा? सुजाता मैं है ना अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरे घर पर आऊंगी एक दिन, फिर आराम से बात करेंगे। हाँ 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 आ जाओ। हाँ ओके बाय बाय। पूरी दुनिया बदल गई लेकिन ये सुजाता अभी तक नहीं बदली। एक बात उसने अच्छी की, बेटे ना बचपन में ही अच्छे होते, बाद में सब जोरू के गुलाम बन जाते। क्या 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 तू आइडिया? मैं है ना सागर के हाथ में नई कार की चाबी थमा देती हूँ, कोई अच्छी सी कार दे दूंगी, मेरा बच्चा मुझसे खुश होकर लिपट जाएगा और मही की गिफ्ट को तो देखेगा भी नहीं मेरी गिफ्ट के सामने। यस क्या दूँ? सामने मम्मी जी के गिफ्ट का पोपट हो जाएगा। नीचे प्लीज आप लोग। कन्हैयालाल ये क्या है? फूलों का गुलदस्ता तो हर कोई देता है, मैंने सोचा थप्पड़ का गुलदस्ता दे दूं। क्या बात है क्या बात है कन्हैयालाल, वेरी क्रिएटिव, थैंक यू वेरी मच। Now the two most important ladies of my life. तो आप लोग मुझे क्या देने वाले हैं? मेरे स्पेशल बेटे के लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट। Happy birthday. Thank you, mom. जीते रहो। पार्टी खत्म होने के बाद सबसे पहले मैं आपका गिफ्ट ही खोलूंगा। एक मिनट सागर जी, आप पहले किसी का भी गिफ्ट खोलो, लेकिन मेरा गिफ्ट ना आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हैप्पी बर्थडे सागर जी। अरे वाह मही, थैंक यू वेरी मच। अरे सागर, केक क्या अगले बर्थडे पे काटोगे? चलिए चलिए केक काटते हैं। यस चलो चलो चलो। गिफ्ट तो मेरा ही सबसे ज्यादा पसंद आएगा। हाँ सागर को देख लेना। देखना तो आपको है सासुमा, क्योंकि मैंने सागर जी के लिए ऐसा गिफ्ट पसंद किया है जिसके सामने कोहिनूर हीरा भी सस्ता लगेगा। मॉम मही, मुझे केक काटना है। काटू? Wow, my God.
आपने जो सागर भैया को गिफ्ट दिया था उसमें तो टैग ही नहीं है। क्या बात कर रही है, मैंने खुद लगाया था टैग, लिखा भी था उसके ऊपर डियरेस्ट सागर बिखलाओ मॉम। हाँ पर अभी तो नहीं है ना मॉम, कहाँ गया? ये मही का ही काम होगा, उसी ने निकाल दिया होगा ताकि मेरी गिफ्ट बाकी गिफ्ट्स में मिल जाए। अभी उसे भी मजा चकाती हूँ मैं, देख क्या कर रहे हो मॉम। अरे तू देखती जा। माँ, सासु माँ मेरे गिफ्ट बॉक्स में से टैग निकाल रही है। अब आएगा मजा। हाँ, मैंने भी इसका जवाब नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी मही नहीं। जय अम्बे। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग सर। सागर भैया साले गिफ्ट रूम में लग दिए। हाँ सागर भैया, आप जल्दी से सारी गिफ्ट देखकर ये बताइए ना कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी गिफ्ट लगी है। हाँ। मही और मॉम दोनों वेट कर रहे हैं आपके जवाब का। ओके एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, मैं सारे गिफ्ट्स अकेले में देखना चाहता हूँ। क्यों? मेरा बर्थडे है मॉम। के? पर सागर, हम नहीं चाहते कि तुम कोई भी फॉर्मेलिटी करो या किसी का दिल रखने के लिए कुछ भी कहो। हाँ, इसलिए तुम्हें जो भी गिफ्ट सच में अच्छा लगे ना उसी की तारीफ करना। सासू माँ आप चिंता मत करिए, हाँ सागर जी चाहकर भी फॉर्मेलिटी नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि किसी भी गिफ्ट के बॉक्सेस पर टैग लगे हुए ही नहीं है। हाँ? मतलब अब सागर जी गिफ्ट तो देख पाएंगे लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि वो गिफ्ट किसने दिया है। लेकिन मैंने तो सिर्फ मही की गिफ्ट पे से टैग निकाला था। अच्छा, इसका मतलब ये कि मेरी गिफ्ट के साथ साथ तूने बाकी सब लोगों की गिफ्ट्स पे से भी टैग निकाल दिए। हाँ, तो फॉर्मेलिटी और पार्शियलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो और भी अच्छी बात है ना। देखा फिर फंस गया, इस बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। देखिए मैंने तो सोचा था कि दोनों के गिफ्ट की तारीफ कर दूंगा, लेकिन अब क्या करूं? अब तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मॉम का गिफ्ट कौन सा है और मही का गिफ्ट कौन सा है। अरे सागर जाओ ना, तुम्हारे गिफ्ट्स खोलो ना जल्दी। हाँ मामा, हाँ। ऑल द बेस्ट। हाँ आप लोग प्लीज अंदर आ जाइए, मैंने सारे गिफ्ट देख लिए हैं और मेरे पसंदीदा 10 गिफ्ट ये हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा। जो गिफ्ट मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है, कन्हैया लाल का वेजिटेबल गुलदस्ता। थैंक यू कन्हैया लाल। वाओ। और उसके बाद सोनिया भाभी का ऑटोग्राफ वाला कार्ड। वाओ, थैंक यू सो मच सागर भैया। मॉम। और उसके बाद ये परफ्यूम। क्या खुशबू है। और उसके बाद ये शोपीस, फिर ये और 8वें नंबर पे ये बुक। हाँ, अब इसमें मॉम की और मही की कोई गिफ्ट नहीं है। That means इसमें से एक मॉम का और एक मही का गिफ्ट होना चाहिए। सागर अब जल्दी से बता दो इसमें से नंबर 9 पे कौन सा गिफ्ट है और नंबर 10 पे कौन सा गिफ्ट है। जी जल्दी से बताइए ना, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा गिफ्ट किसका है। एक्चुअली मैं सच बताऊं ना तो मुझे आप दोनों के गिफ्ट एक जैसे लगे, इसलिए मैं इन दोनों को कोई नंबर नहीं। क्या मतलब? ये दोनों गिफ्ट इतने ऑर्डिनरी है कि तुम उन्हें नंबर भी नहीं दे सकते। नहीं नहीं मॉम, मुझे ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे इसलिए मैं इन्हें कोई ग्रेड या नंबर नहीं दे सकता। यू नो बोथ गिफ्ट्स आर वेरी स्पेशल। दोनों गिफ्ट में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है वो बताइए ना। हाँ, दोनों के लिए कमेंट नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। आप दोनों ने एक दूसरे का गिफ्ट देखा है? नहीं। मैं समझ गया था, नहीं देखे होगे।
इन दोनों गिफ्ट के लिए मैंने इसलिए एक जैसा कमेंट दिया क्योंकि ये दोनों गिफ्ट एक जैसे ही हैं। और अब ये देखिए, मॉम ने अपने फोटो का कलेक्शन और मही ने अपने फोटो का कलेक्शन आपको गिफ्ट किया है, राइट? वाओ, इट्स ब्रिलियंट आइडिया। सोनिया तो बहुत खुश हुई। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हैं। मॉम का गिफ्ट वो है और मही का गिफ्ट ये है, समझे? इन दोनों ही गिफ्ट्स ने मुझे मेरे लाइफ के मेमोरेबल पल दिए। चाहे फ्रेम्स अलग हैं, फोटोज अलग हैं, लेकिन उनके बीच एक कॉमन चीज कह दें और वो है खुशियां। वैसे तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ते हो, लेकिन इस गिफ्ट से ये तो प्रूव हो गया कि आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार भी है। प्यार व्यार कुछ नहीं है सागर, ये गिफ्ट तो मैंने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि हर कोई लड़का बड़ा होकर है ना जोरू का गुलामी बनता है, हा? तो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए बनता है, हा? अरे वाह सासुमा, गिफ्ट के साथ साथ उसके पीछे का आइडिया भी चुरा लिया आपने। हाँ सागर जी, आपकी मम्मी जी के साथ वाली मेमोरेबल फोटोज मैंने आपको इसीलिए गिफ्ट में दी क्योंकि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन रहता तो वो माँ का लाडला ही है ना। हाँ। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊ। एक्सक्यूज मी सासुमा, थोड़ी हवा आने दीजिए। आपको किसने कहा कि मैं आपकी बिल्ली हूँ? प्लीज प्लीज, आप दोनों झगड़िए मत। आज मेरा बर्थडे है ना, तो क्या मैं आप लोगों से एक और गिफ्ट मांग सकता हूँ? क्यों नहीं, बोलो बोलो। तो आप दोनों मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे, वादा कीजिए। ओहो सागर भैया, लगता है ये तो बहुत ही कीमती गिफ्ट मांग लिया आपने, है ना? मैडम, मई भाभी, बोलो आप दोनों थागल भैया को गिफ्ट देंगे इस बर्थडे पर? तो नहीं। अगले बर्थडे पर भी नहीं।